रिश्ता तो खत्म हो जाता है, बट उसकी यादों से निकलना इतना आसान नहीं होता। उसकी यादें खत्म क्यों नहीं होती? आप हमेशा से परेशान रहते हो। जितना अपने पुराने रिश्ते को, टूटे हुए रिश्ते को सुलझाने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा वो उलझती जाती है और आप परेशान होते रहते हो। हर दिन आप सोचते हो कि आज मैं उसे भूल जाऊंगा और कल मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से शुरू करूंगा, फिर से वही चीजें इंजॉय करूंगा जो मैं इंजॉय किया करता था। बट ऐसा नहीं हो पाता ना। ऐसा होने का वजह है कि रिश्ते जो टूटते हैं ना, वो आपके दिल पे चुभते हैं और आपको बार बार वो चीजें याद रहती हैं, याद आती है और आप मायूस होते हो। नतीजा इतना खराब होता है, आपकी सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि आप अपनी फेवरेट चीज को एंजॉय भी नहीं कर पाते। आपके फैमिली फ्रेंड्स सब परेशान होते हैं और आपसे पूछते हैं, आपको सजेशन देते हैं कि आपको क्या हो गया है, क्यों आप इतने परेशान दिख रहे हो, अपनी बॉडी की क्या हालत बना ली है, कैसे हो गए हो तुम, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये सारी चीजें जो है वो आपको अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में फेस करनी होती है। करियर तो जैसे कहीं पीछे ही छोड़ जाता है। आपको अपने करियर में कहाँ जाना था और आप कहाँ पहुंच जाते हो, सब कुछ वेस्ट सा होता है। जिंदगी अंधेरे की तरफ जाती हुई दिखती है और आप सोचते हो कि कैसे इससे बाहर निकला जाए। देखिए, कुछ चीजें हैं जो आपको करनी होंगी, तभी आप इससे बाहर आ सकते हैं। आपको अपने मन में ये डिसाइड करना होगा कि हाँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मैं आपकी हेल्प करूंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त आरोही। कुछ चीजें हैं जो आप जरूर से फॉलो कीजिए इन टिप्स को और आप 100% जो है अपनी इस ब्रेकअप वाली सिचुएशन से आप बाहर आ जाओगे। खुद से आपको बातें करनी है। सबसे पहली चीज कि हर एक सिचुएशन से डील करने का ना, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इमोशनली जब आप काफी वीक हो जाते हो, आपके अंदर में बहुत सारी चीजें भरी होती हैं, उसका दर्द होता है और आप किसी और से शेयर करते हो, कोई आपका दर्द नहीं समझ पाएगा। इनफैक्ट जो आप ब्रेकअप की सिचुएशन से गुजर चुका है ना, वो भी आपकी सिचुएशंस को बस एक दो मिनट के लिए ही समझ सकता है, उसके बाद वो मूव ऑन कर जाएगा। आपके अंदर की हीलिंग और खुद के अंदर की बातें आपको खुद ही समझनी होगी। आप अपनी से बात करो, वैसे जगह पर जाके बात करो जहाँ आप कंफर्टेबल फील करते हो, आपको लगे कि यहाँ मैं अपनी बातों को खुल के खुद से कर सकता हूँ। आप खुद से कहो कि क्या कर रहे हो तुम, भूल जाओ सारी बातों को, क्या हो गया है तुम्हें। खुद को पैम्पर करे, खुद को डांटे नहीं, क्योंकि अगर आप खुद को डांटोगे तो आपका दिल और रोएगा और आपको और मुश्किल आएगी, क्योंकि आप बाहर कैसे आ। याद रखें, रिवेंज आपको नहीं लेना है। रिवेंज एक ऐसा वर्ड होता है ना जो आपको हमेशा उस टॉपिक पे स्टिक करके रखता है, आप उससे आगे ही नहीं बढ़ सकते। आपके दिमाग में हमेशा यही चलेगा कि मुझे उससे बदला लेना है। जब आप किसी और को माफ नहीं करोगे ना, तब आप अपना रास्ता साफ भी नहीं कर सकते, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमेशा आपके बड़ों ने आपको ये सिखाया होगा ना कि कभी किसी से बदला नहीं लेना है, माफ करना सबसे बेस्ट होता है, उस बात को याद करो। शेड्यूल को देखे, शेड्यूल बनाए। देखिए, लाइफ में हर चीजों को करने का एक सही समय होता है। अगर आप सारी चीजों को सही टाइम पे करते हो तो आपका रिजल्ट जल्दी बनेगा और आप जल्दी सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। आपकी जो करियर है, आपका हेल्थ, वेल्थ, इमोशन, सब पे बुरा असर पड़ा हुआ है। हर चीजों को करने का एक सही समय बनाओ। अपने हेल्थ पे ध्यान दो, स्लीपिंग पे ध्यान दो, वर्क पे ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो, रीस्टार्ट, फिर से शुरू करो। इस बीच में आप खुद को इतना एंगेज करें कि उसे फोन कॉल करना, उसके बारे में सोचना भी आपके लिए मुश्किल हो जाए। आपके दिमाग को ये याद भी ना रखे, आप ये इस बात को भी ना ये सोच पाए कि मुझे उसे याद भी करनी है मेरे साथ क्या हुआ था। बाहर निकले, खुद को खुलने दे। काफी समय एक ही जगह पे उनकी यादों को याद करके घुटन सा महसूस होता है ना, आप बाहर निकले, वैसी जगह पे जाए जो सबसे बेस्ट है। खुद की हीलिंग करने का सबसे अगर बेस्ट तरीका है तो वो मदर नेचर के पास है। मदर नेचर आपको खुल के सारी चीजें करने के लिए पूरे स्पेस देती है, आपको हील करती है। कभी आप नदी किनारे बैठ के तो देखो, अच्छा सा सनसेट तो देखो, आप इंजॉय करो ना, नेचर ने इतनी सारी चीजें दी हैं। अपनी फेवरेट ट्रैवलिंग की जगह पे जाया करो, वहां पे आपको अच्छा महसूस होगा, खुला खुला और रिफ्रेशिंग महसूस होगा। चैलेंज एक्सेप्ट करें, नए चैलेंज बनाएं। खुद को चैलेंज देना आपके लिए पॉजिटिव मोटिवेशन लेकर आएगा। आपको पता है, जब आप खुद को चैलेंज देते हो ना, तो बेटर होने का पहला स्टेप जाते हो। आपको पता चलता है कि अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। खुद को ही हराने का एक नया, आपको नई जर्नी शुरू करनी है। आप खुद को जब
रोज एक चैलेंज पे, एक रूटीन चैलेंज पे डालते हो तो आपकी बॉडी उसी तरह उसी मोड पे आ जाती है और आपका जो पॉजिटिव लेवल यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है, जो आपको उस बैड सिचुएशन से, उस दर्द से बाहर निकालने में बहुत हेल्प करेगा। ये चैलेंज आप अपनी फिटनेस को दे सकते हो, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपने करियर और हेल्थ को दे सकते हो। आप देखोगे कि किस तरीके से सब चीजें धीरे 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 इंक्रीज होते जा रही है, आपका जो पूरा का पूरा जो पहले का मूड था वो कैसे चेंज होके एक हैप्पी माइंड में बदल जाएगा। स्टॉप टू ब्लेम योर सेल्फ, अरे खुद को दोस्त देना बंद करो। सिचुएशन सबकी लाइफ में ऐसे आती है, हो सकता है आपसे गलती हो गई है, लेकिन इस गलती की सजा कितने दिन अपने आप को दोगे? अपने आप को सजा ना दे, याद रखे गलती से ही सीखते हैं ना। जैसे याद रखे आपने फर्स्ट टाइम साइकिल से गिरकर सीखा था, तब तो आज तक आपको साइकिल चलाने आती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब हम अपना पहला कदम लेते हैं तभी तो गलती करते हैं। लाइफ एक ऐसी टीचर है जो रुलाती पहले है सिखाती बाद में है। तो पहले लाइफ ने आपको रुलाया, अब बहुत सारी चीजें को सिखाया भी, तो प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। दूसरों से कंपैरिजन या खुद को दूसरों की नजरों से बिल्कुल देखना बंद करें। काफी बार आप ऐसा सोचते हो कि उसने मुझे ये कह के छोड़ा है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझ में ये सारी बुराइयां हैं। अरे छोड़ो यार, एक हीरे की परख ना जौहरी कोई होती है, सोने की परख ना सुनार कोई होती है, और आपकी परख आपकी माँ को है। जिसकी जैसे नियत होती है ना, उसका नजर और नजरिया वैसे ही होता है। कभी अपने आप को अपनी माँ की नजर से देखिए, आप सबसे बेस्ट हैं, उनके लिए आप सबसे सुंदर हैं, आपके उनके लिए आपका कोई स्टेटस मैटर नहीं करता, बस आप उनके लिए सबसे प्यारे हो। तो अपने आप को अपनी माँ की नजर से जज कीजिए ना, दूसरे की नजर से मत कीजिए। याद रखें सबसे इम्पोर्टेंट, उसकी याद आपको बार बार आएगी। हो सकता है कि आप कई बार रोने भी लग जाओ, मायूस हो जाओ। यादें आएंगी, इतनी जल्दी यादें डिलीट नहीं होती, और दिल की यादें तो बिल्कुल भी नहीं। यादें आएंगी, आपको रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, बार बार उसकी चैट्स, फोटोज और उसे कॉल बैक बिल्कुल नहीं करना। याद रखे अगर आपको आगे जाना है तो आप ये चीजें बंद कर दे, वरना जहां से आपने शुरू किया था फिर वही पहुंच जाएंगे, वही डिप्रेशन और स्ट्रेस में जिंदगी जिएंगे। तो इन चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करेंगे। अपने दिल का दरवाजा बिल्कुल भी बंद ना करें और एक रूड पर्सन ना हो जाए। अक्सर देखा गया है कि जब ब्रेकअप्स होती हैं या लव रिलेशनशिप टूटता है तो इंसान काफी रूड हो जाता है, वो प्यार करना ही बंद कर देता है। ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप प्यार नहीं करोगे तो अंदर से खाली हो जाओगे यार। जो चीज आपके पास होती है वही चीज तो आप बांटते हो। अगर आपके पास प्यार है तो आप एक हम्बल इंसान हो और प्यार ही तो बांटोगे। ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और प्लीज मुझसे जुड़ जाएं। कोई भी बातें शेयर करनी हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, कॉन्टेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। थैंक यू।